हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर जगह आता है। आइए देखते हैं भारत में कितने बंदरगाह पूर्व तटीय हैं और कितने बंदरगाह पश्चिम तटीय हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, जो बड़े बंदरगाह हैं भारत के, इन बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक, और छोटे बंदरगाहों की जो संख्या है वह कितनी है, तो वह है छोटे बंदरगाहों की संख्या 185 है। ठीक, 185 संख्या लगभग है छोटे बंदरगाह, और बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक, आइए देखते हैं कि कौन कौन से बड़े बंदरगाह। सबसे पहले हम बड़े बंदरगाहों को देखेंगे और फिर देखेंगे छोटे बंदरगाहों को। ठीक, तो इधर आपको दिखेगा भारत के पश्चिम में जो एक सागर है, इसको कहते हैं अरब सागर। ये जो सागर है इसका नाम है अरब सागर, और भारत के पूर्व में एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। ये जो खाड़ी है यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो जो बंदरगाह होंगे अरब सागर की तरफ है, इसको कहते हैं, कहेंगे पश्चिम तटीय बंदरगाह है, और जो बंदरगाह होंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसको हम कहते हैं पूर्व तटीय बंदरगाह। ठीक, आइए देखते हैं कि कौन जो 13 बड़े बंदरगाह है वो कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहला ये जो राज्य दिख रहा है, यह राज्य है गुजरात, और गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कौन सा बंदरगाह है, तो बंदरगाह का नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह है, और इस कांडला बंदरगाह का वर्तमान में जो नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ठीक, तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और जो कांडला बंदरगाह है वह कैसा बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर, यह है खाड़ी, और कौन सी खाड़ी है, तो यह खाड़ी है कच्छ की खाड़ी। इस खाड़ी का है कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। एक खाड़ी यहां दिख रहा है, इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। ये जो खाड़ी है इसका नाम है खंभात की खाड़ी, या इसी को कैंपबे की खाड़ी कहा जाता है। ठीक, तो पहला बंदरगाह जो है गुजरात में, यह है कांडला बंदरगाह है, जो बड़े बंदरगाहों में शामिल है। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह बड़े में शामिल है, एक का नाम है बंबई बंदरगाह, और दूसरे का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, इसका एक अन्य नाम है नहावा सेवा। तो बड़े दो बंदरगाह हो गए कहाँ पर, बंबई यानी कि महाराष्ट्र में हो गए। ये दोनों के दोनों किस राज्य में हैं, तो वो हैं महाराष्ट्र में हैं। ठीक, आगे अगर हम बढ़ेंगे, गोवा में एक बंदरगाह है, गोवा में, इसका नाम है मर्मगांव। नाम क्या है, मर्मगांव बंदरगाह। कहाँ है, गोवा में, बड़े बंदरगाहों में शामिल है। एक अन्य बंदरगाह है कर्नाटक में, जिसका नाम है न्यू मंगलोर। इसका नाम है न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है कर्नाटक में स्थित है, और यह 13 बड़े बंदरगाहों में शामिल है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोची। कोची बंदरगाह बड़े बंदरगाहों में शामिल है, कहाँ है, केरल में। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा क्या, एक राज्य जिसका नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन। नाम क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी इन 13 बड़े बंदरगाहों में शामिल है। आगे हम बढ़ेंगे तो इसी तमिलनाडु में दो अन्य बंदरगाह है, एक का नाम है चेन्नई बंदरगाह, और दूसरे का नाम है एन्नौर। चेन्नई और कौन, एन्नौर। ये दो बंदरगाह जो दिख रहे हैं, तीन बंदरगाह है, ये सब के सब कहाँ हैं, तो ये सब के सब हैं तमिलनाडु में। और ये सभी के सभी जो बंदरगाह है, इन 13 बड़े बंदरगाहों में शामिल हैं। अगला जो बंदरगाह है वह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है इसका नाम है विशाखापट्टनम। इसका नाम क्या है, विशाखा
पत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह भी उन 13 बंदरगाहों में शामिल है। और एक बंदरगाह है उड़ीसा में, इसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह भी 13 बड़े बंदरगाहों में शामिल है। यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और एक बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, नाम है इसका कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, 13 बंदरगाहों में शामिल है। एक अन्य जो बड़ा बंदरगाह है वह है अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और यह भी उन 13 बड़े बंदरगाहों में शामिल है। देख लेते हैं, पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला गुजरात में, एक हो गया। दूसरा बड़ा बंदरगाह बम्बई है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, 3 हो गए। मर्मगांव 4 हो गए, गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, 5 हो गया। कोची कहाँ है? केरल में है, 6 हो गया। तूतीकोरिन और चेन्नई और एन्नोर, ये तीनों तमिलनाडु में है, 9 हो गए। और ये जो विशाखापट्टनम दिख रहा आंध्र प्रदेश में है, 10 हो गया। और पारादीप उड़ीसा में 11, कोलकाता पश्चिम बंगाल में 12, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप है, 13 हो गया। तो ये भारत के सबसे बड़े 13 बंदरगाह हैं। आइए देखते हैं, इन बड़े बंदरगाहों में जितने भी बंदरगाह भारत में हैं, सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो बम्बई बंदरगाह है। क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है बम्बई बंदरगाह है। और इससे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो बंदरगाह है यह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक, आइए देखते हैं हम छोटे बंदरगाहों के, छोटे बंदरगाह है कौन कौन, कितने हैं। ठीक, तो आपको बताया गया कि जो विशाखापट्टनम है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कैसा है? तो यह 13 बड़े बंदरगाहों में एक शामिल है। दो अन्य बंदरगाह हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एक का नाम है काकीनाड़ा। नाम क्या है? काकीनाड़ा है। काकीनाड़ा बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, छोटे बंदरगाहों में शामिल है। एक अन्य बंदरगाह है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, इसका क्या नाम है? तो यह है मछलीपत्तनम भी बंदरगाह कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश है। ये सब के सब जो दिख रहे हैं सब एपी मतलब आंध्र प्रदेश में है। 3 बंदरगाह हो गए आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, काकीनाड़ा, मछलीपत्तनम। विशाखापट्टनम 12 बड़े बंदरगाहों में शामिल है। ये जो आपको दिख रहा है ये तीनों बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक अन्य बंदरगाह है जिसका नाम है कन्याकुमारी। यह छोटे बंदरगाहों में शामिल है कन्याकुमारी। और एक बंदरगाह अन्य है तमिलनाडु में, इसका नाम है नागपत्तनम। जो बंदरगाह है यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, सॉरी तमिलनाडु में है। ठीक, केरल में कुछ राज्य हैं, ये आपका केरल राज्य है और ये है तमिलनाडु राज्य। केरल में बड़े बंदरगाहों में कौन शामिल है? कोची है। छोटे बंदरगाहों में कौन कौन है? तो एक बंदरगाह एलेप्पी बंदरगाह है। एक बंदरगाह है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। जो बंदरगाह है वह भी कहाँ का है? केरल का है। और एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह है। यह कालीकट बंदरगाह कैसा है? तो छोटा बंदरगाह है। ठीक, आगे अगर हम देखें गुजरात में छोटे बंदरगाहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे ये जो खंभात की खाड़ी दिख रही है इसमें छोटे बंदरगाहों की संख्या ज़्यादा मात्रा में है। कौन कौन से हैं? तो इसी में है भावनगर है। दूसरा कौन सा है? दाहेज है। तीसरा कौन सा है? हजीरा। ये बंदरगाह कहाँ पर है? खम्भात की खाड़ी में, गोवा के हैं। ठीक, अन्य जो बंदरगाह हैं गुजरात के, सॉरी हजीरा, दहेज, भावनगर, ये सभी बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में हैं। अन्य गुजरात के कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो इसी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोरबंदर के बाद एक बंदरगाह है जिसका नाम है
नबी बंदर है और एक बंदरगाह यहाँ पर जो एक कांडला दिख रहा है यहीं पर एक बंदरगाह जिसका नाम है कच्छ बंदरगाह है ना। तो ये जो कुछ बड़े बंदरगाह हैं और कुछ जो हैं छोटे बंदरगाह हैं, तो बड़े बंदरगाहों की जो संख्या वो कितने हैं 13 है और छोटे छोटे जो बंदरगाह उनकी संख्या कितनी 185 है। एक बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में छोटा जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हल्दिया। हल्दिया जो बंदरगाह है हल्दिया यह भी कहाँ है, तो पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में दो बंदरगाह हैं, एक बड़ा कोलकाता है, छोटा कौन सा हल्दिया। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।